अरे कुछ ना, 1500 किलोमीटर कहो तालू क्या, चल जाए आदमी, चल जाए। अरे बस, अरे भोलेनाथ के नाम ले, चल बा बोलबम बोलबम। दोस्तों, अगला दिन सेम वर्क फ्रॉम होम और हमारा नाश्ता पकौड़ी और चाय और चटनी। और बारिश हो रही है यहाँ पे मुंबई में फ्रॉम 2 डेज। सनसेट का टाइम है और इधर दिखता है मुंबई। ये देखिए, ये बिल्डिंग देखिए, मुंबई है। ऐसा हो गया पांडे, बीच को देख के एक्साइटमेंट होती है। वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी हमारे अंदर, बिल्कुल यार। चीटिंग 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 करता है तू। यहाँ हो रही है बारिश और हमारा था प्लान जाने का बाहर। बारिश भैया बहुत ज्यादा तेज हो रही है और आज सुबह से हो रही है। नींद पूरी नहीं होने की वजह से थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें देखना शुरू हो गई है। अब भी दिखाते हैं, ये देखिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिद्धि विनायक मंदिर, यहाँ पे है और खूबसूरत अपना मुंबई, मुंबई। तो गणेश जी को हमारे धूप चढ़ता है, धूप ले लिया है और चप्पल निकाल दिया उधर। बहुत आराम दर्शन हो गया, वैसे 10 मिनट भी नहीं लगे। भगवान ने कहा जल्दी करो, तुम लोगों को आगे भी जाना है। और इधर आपको इस तरह की बस टैक्सी मिलेंगी, लाइंस लगी हुई हैं टैक्सियाँ। पारसी कॉलोनी था है। नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग मरीन ड्राइव चौपाटी के पास। जाते हैं चौपाटी, देखते हैं, बताते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और कुछ इस तरह का ये एंट्री चौपाटी का। इधर भी बिल्डिंग्स, इधर समुंदर, इधर पूरी बिल्डिंग्स और ये देखे लगा पड़ा है। और ये है मुंबई। तो ये छोटा सा बीच इतना एरिया का, जिसको ये यहाँ पे चौपाटी बोलते हैं। ये बिल्डिंगों वाला बीच है, जहाँ से आपको सिर्फ बिल्डिंग्स दिखेंगे और बीच दिखेगा। अब चलते हैं मुंबई देवी, जिसके वजह से मुंबई का नाम है वो। और चौपाटी के पास एक छोटा सा मार्केट। चाय पियेंगे, चाय चाय गर्म, चाय पियेंगे, चाय चाय गर्म। आप दो ना, बढ़िया। यहाँ पे कुल्फी, रबड़ी, डोसा वोसा सब मिल रहा है भैया, पान वन सब है, जूस कॉर्नर भी है। बढ़िया हिसाब है, इधर बगल में चौपाटी और यहाँ पे बढ़िया हिसाब खाने पीने का। मार्केट देखिए भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज के बाद न जूते मिलेंगे नहीं कपड़े। तो गेट पे संख है और अंदर मंदिर था, दर्शन हो गया हमारा। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये पुलिस हेडक्वार्टर, वही तो अलग ही बना हुआ है लेकिन। और ये है बेस्ट बसेस, और ये मुंबई दर्शन वाली बस है बेस्ट। फाइनली दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया और ये है ताज होटल। तो 1911 में ये बना था, इसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं, बिकॉज किंग एंड क्वीन मैरी इसी गेटवे, तो इसी अरे कहना क्या चाहते हो, गेट से आए थे अंदर इंडिया में। और खूबसूरत ताज होटल पीछे दिखता है और यहाँ पे इस पे लिखा हुआ भी है कि इरेक्टेड टू कॉमरेट द लैंडिंग इन इंडिया ऑफ देयर इंपीरियल मैजेस्टीज। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। गजब जी, कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी यहाँ आ जाएंगे हम, गेटवे ऑफ इंडिया देख लेंगे इसको, मतलब कितना देखे हैं टीवी में। सामने से दिख रहा है, छोटा दिख रहा है यार सामने से। ये था आपका गेटवे ऑफ इंडिया और ये था ताज होटल, और ये नया ताज होटल जो बना है। और बाकी यहाँ से आप अलीबाग के लिए फेरी पकड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्रालय, ये नया बना है ना, राइट साइड वाला। और ये पुराना मंत्रालय था,
ओ ये लाइट दिख रही है, अच्छा तो ये वहां खड़े स्टेडियम में आ गए भाई लोग। पापा जैसे आते थे तुम वैसे ही आना, भक्तों के सारे कष्ट मिटाना, जो भी हुई गलती दुनिया से बापा उन्हें क्षमा कर जाना, निभाई हमेशा तूने यारी, तेरी कृपा ही है सुखकारी, ओ गणपति बप्पा अर्जी सुनी होगी हमारी। चले गए दोस्तों, गरीब रथ में हम बैठ चुके हैं, सर पे चिंता, मोबाइल पे स्टेटस